नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निकल कोरंगा जी। दोस्तों, आज की वीडियो में जो बताने वाला हूँ आपको स्नैपड्रैगन 665 के बारे में, आखिर इसमें जो है इस प्रोसेसर में आपको क्या क्या मिलता है, इसके जो है बेसिक जो आपके फंडामेंटल इसी के बारे में बात करेंगे। इसमें जो है आपको क्या 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 इसमें कोर्स मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। और ये भी बता दूं इसमें इसके जो कंपटीटर है ये आपका जो है G70 है, ये है जो मीडियाटेक का प्रोसेसर है। ठीक है, तो मैं जो है मैंने इससे पहले जो है आपका G70 के बारे में एक वीडियो बनाया है जो कि आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले स्नैपड्रैगन 665 की आपका डिस्प्ले की। डिस्प्ले यहाँ पर जो है आपको मिलती है फुल HD प्लस की, और जो है इसका रेजोल्यूशन है 2520 जो है 1080p, यानी कि आपको जो है यहाँ पर फुल HD प्लस डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके कैमरे की। कैमरे में बात कर लूँ यहाँ पर जो है, अगर आप जो है यहाँ पर दो कैमरे अगर फ़ोन में होते हैं तो वहाँ पर जो है आपको 16 मेगापिक्सल के दो कैमरे तक का जो है यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, और जो है मैक्सिमम अगर एक कैमरा हो तो जो है 48 मेगापिक्सल का जो है एक कैमरा ये सपोर्ट करता है। और जो इसका जो रिकॉर्डिंग है कैमरे के, इसका वीडियो की जो रिकॉर्डिंग ये कर सकता है आपका 4K तक वीडियो जो है रिकॉर्ड कर सकता है 30 FPS पे। और जो है यहाँ पर जो है आपका जो अगर फुल HD में जो है ये 30 FPS तक जो है यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकता है, यानी कि दोनों ही जो है 30 FPS में जो है रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर बात करता हूँ मेमोरी की। मेमोरी में जो है आपको यहाँ पर LPDDR4X की यहाँ पर जो रैम मिलती है जो कि 8GB तक ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर जो है स्टोरेज ये सपोर्ट करता है आपका eMMC 5.1, और जो है आपका ये UFS 2.1 को भी सपोर्ट करता है, जो कि एक अच्छी बात है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके मेन पॉइंट आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर ये 64 बिट पे बना हुआ है, और जो है ये आपका 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि बहुत ही पावर एफिशिएंट आपको देखने को मिलेगा। और जो है इसके जो कोर्स हैं 8 कोर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसके जो आपके 4 कोर हैं आपको जो है कोटेक्स A73 जो है 3 वाले जो है आपको यहाँ पर 2.0 GHz पे क्लॉक्ड हैं, और बाकी जो दूसरे 4 कोर हैं वो जो है आपका कोटेक्स A53 जो कि जो है आपका 1.8 GHz पे क्लॉक्ड हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके GPU की। GPU जो है इसमें आपको मिलता है एड्रेनो का 610 जो कि आपको जो है 600 MHz तक जो है सपोर्ट करता है। दोस्तों अब इसके बात कर लेते हैं इसके एंटीटू बेंचमार्क स्कोर की। तो यहाँ पर जो है इसमें आपको जो है 162,406 जो है ये स्कोर निकल के आता है। दोस्तों इसका जो GPU है 25,543 का स्कोर करता है, जो कि ठीक ठाक है। तो दोस्तों ये मैंने जो है आज जो है स्नैपड्रैगन 665 के बारे में कुछ आपको बताया। ये जो है आपको जो बजट कैटेगरी में जो स्मार्टफोन आते हैं लगभग 10,000 तक, तो उसमें जो है उन फ़ोनों में ये देखने को मिलेगा, ये जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो कि खासकर बजट सेगमेंट वाले स्मार्टफोन के लिए बनाया गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो नीचे जो है कमेंट करके जाना, वीडियो को लाइक करना, और जो है ऐसी वीडियो के लिए जो है अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।